हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज आप जी देख रहे हैं, हमारे साथ मीला जी सरकार हैं और बहुत खूबसूरत सी मॉडल हैं और पाकिस्तान से मॉडल हैं और लेकिन मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। और हम उनसे ये जरूर पूछेंगे कि पाकिस्तान में तो परमिशन ही नहीं है कि कोई किसी किस्म की कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स मिस पाकिस्तान हो सकती है, तो फिर आप कैसे हैं? और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट लिया, और यकीनन लोग तो पीछे पड़े होंगे आपके कि ये आप क्या कर रही हैं और आप मॉडलिंग में कैसे चली गई, या मॉडलिंग के अलावा जैसे आप कह रही हैं, आपने बताया कि पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, तो फिर ये सब कैसे, आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? थैंक यू आरजू जी। तो मैं थोड़ा सा नाम का वो करेक्शन करूंगी, माली सरकारी। ओके, माली सरकारी। ओके, द थिंग इज कि मैं कनाडा में 25 साल से रह रही हूँ और मेरा हमेशा से शौक था मॉडलिंग, एक्टिंग और इन चीजों में। मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई एक पैजेंट करवाता है मिस पाकिस्तान के नाम से, तो उससे पहले मैं कैनेडियन जो यहाँ पर थी मॉडलिंग एजेंसी उनके साथ काम कर रही थी, टीवी शो पे भी आती थी, मेरी तस्वीरें भी आई थी बिकीनी। तो मुझसे कॉन्टेक्ट किया गया और मुझसे कहा गया कि हाँ, हमारी लड़कियां भी बिकीनी पहनती हैं। पहली चीज मैंने उनसे कही थी कि भाई मैं तो बिकीनी पहनती हूँ, मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इट्स ओके। So I competed 2006 में, मैंने compete किया, I lost। फिर मैंने दोबारा compete किया 2007 में और मैं वो जीती pageant। तो pageant यहाँ होता है, कनाडा में होता था, and I'm going back in 2007, you know, तो बहुत अरसा हो गया उसको। वो होते होते you know, so I won that year। और उसी साल क्योंकि मुशर्रफ साहब उस वक्त जो थे पावर में थे, तो एक बड़ी सी न्यूज बनाई गई कि मैं जो हूँ मुशर्रफ साहब की बड़ी फैन हूँ और मेरी एक साइड जो बाप की साइड है वो बलोच हैं। तो उस वक्त बलोचों का और इनका बड़ा मामला चल रहा था, विच आई डिडंट नो अबाउट। तो वो पूरी न्यूज क्रिएट की है, उसको पाकिस्तान ने तो इतना नहीं पिक किया, मगर इंडियन मीडिया ने बड़ा पिक किया और उसपे खूब गाने लगाए, चीनी कम है और यू नो अमिताभ और उनको करने, पॉजिटिव थिंग। सो एनीवेज इट वेंट ऑन। फिर मैं पाकिस्तान भी गई इन 2009, मैंने वहां भी मीडिया में काम किया। Almost then 2013 I had my child and stuff, so now I'm mostly in Canada। I mean, YouTube hai mera social media ka network hai, to I work through that। magar itne saalon mein ye hua hai ki jo wo pageant bandi karwati thi aur mere wahan jaakar bolne pe, and I used to say ki maine represent kiya hai Pakistan ko, meri tasveer jo viral hui thi usme bikini mein Pakistan ka flag pakadi khadi thi, to मुझे बहुत धमकियां आई थी और मुझे बहुत बलोच यहाँ पर भी धमकी दे रहे थे कि आप मुशर्रफ के बारे में कुछ नहीं बोलो। मगर मुझे उस वक्त आई वॉज नॉट मच इन्वॉल्व इन टू पॉलिटिक्स, आई डिडंट नो कि क्या हो रहा था। मगर आज ये है कि आज मिस पाकिस्तान जो बंदी करवाती थी उसने पाकिस्तान में एक बंदी को पकड़ा है और लाइक शी इज पिकिंग गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में हम कम्पीट इस वजह से नहीं कर सकते हैं पाकिस्तानी लड़कियां, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि लड़की जो है वो पाकिस्तान से ही जाए। आई कैन गो फ्रॉम कैनेडा टू कम्पीट इन मिस वर्ल्ड। अगर आपको याद होगा तो अनीता अयूब थी हमारी, जिन्होंने कोशिश किया था बैक इन द डेज, तो उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था एंड शी वाज़न्ट एबल टू गो। तो अभी ये भी आई वुड लाइक टू सी समबडी एक दिन मिस वर्ल्ड में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। या दैट वाज अ लिटिल शॉर्ट थिंग ऑफ कि क्या है, मगर मुझे यस मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, मगर जब मैं पाकिस्तान गई वापस तो मुझे मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से लिया था। बिल्कुल ठीक, लेकिन महालीज मेरे ख्याल है अब मैं नाम ठीक ले रही हूँ ना आपका जी, तो मुझे ये बताइए आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ चेंजेस आने चाहिए और इस किस्म की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो मॉडलिंग है या फीमेल्स को आगे आना चाहिए, या जो एक चला था इंडिया में भी हिजाब को लेकर इतना हंगामा हुआ था और यहाँ पर भी कहा जाता है कि नहीं जी हर फील्ड में जो है वो लड़कियां नहीं जानी चाहिए, आपको लगता है कैसा होना चाहिए कि थोड़े और मुस्लिम कंट्रीज की जो लड़कियां हैं वो भी आगे बढ़ें और वो भी उसी तरह काम करें?
हाँ नहीं ऑफ कोर्स होना चाहिए, और अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम जब पीटीवी के दिन होते थे तो आप सिर्फ सर पे दुपट्टा होके बैठना पड़ता था आपको, तो उससे बहुत डिफरेंस आया है. अगर आप फैशन टीवी जो चलता है वहां पर पाकिस्तान में उसमें देखें तो फैशन शोज जो होते हैं उसमें लड़कियां ड्रेसेस भी पहनी हुई होती हैं, बहुत कुछ होता है. अभी जो अवार्ड्स होते हैं हमारे उन पे कितना क्रिटिसाइज किया जाता है हमारी मॉडल्स को कि देखो शोल्डर्स दिख रहे हैं पीछे से ऐसे, यू नो. सो इम्प्रूवमेंट तो आई है. अब हमारे बेचारे जो मीडिया वाले लोग हैं चंद बड़े हिपोक्रेट हैं, मगर जो चंद लोग हैं दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, क्योंकि पाकिस्तान में एक सीलिंग बन गई है आपकी, वो है रिलीजन की, इसके ऊपर आप जा नहीं सकते हो. तो उसके अंडर रह कर भी वो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे शो करते हैं, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दैट. क्योंकि क्रिएटिव बंदा होने के लिए आपको खुली आजादी चाहिए, यू नीड एन ओपन माइंड. और यानी हम लोगों ने एक वो सीरियल जो आया था चुड़ैल, अगर आपने देखा हो Z5 पे, तो दैट इज अ वेरी आजकल के जमाने का है. उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी दिखाया है, उसमें गे लेस्बियंस को भी दिखाया है, तो वो सारी चीजें उन्होंने टच की हैं पांच औरतों के उसपे. तो वी आर इम्प्रूविंग, मगर वही बात है ना कि हमको एक ग्लास में आपने शीशे में बंद कर दिया है तो वी कैन गो देयर. तो इन मीडिया अगर आप देखें जो हमारा मीडिया है उसमें बहुत सारे जो इलीट क्लास है दे डू एवरीथिंग, वो पहनते भी हैं, वो पार्टीज भी करते हैं, सम ऑफ देम माइट नॉट इवन फॉलो द रिलीजन. हमारे फैशन के डिजाइनर्स मोस्टली गे हैं, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हैं मोस्टली गे हैं, मगर ओपनली गे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फिर वो कंडेम हो जाता है, बट एवरीवन नोज कि वो गे हैं. सो इट्स अ वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी. अभी एक साहब थे जिनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी बोतलें शराब की बोतलें जलाते हुए. जितनी शराब मैंने पाकिस्तान में 4 महीने में पी थी आई डिडंट इवन ड्रिंक 14 years इन कैनेडा. तो वो हिपोक्रेसी आ जाती है कि चंद आपको देखेंगे लोग जो आगे बड़ी दीन की बातें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आमिर लियाकत को देख लें आप, वो एक नंबर के हिपोक्रेट थे, वो आके यहाँ पे दीन फैला रहे होते थे और पीछे उनकी हरकतें आप देख सकते हैं व्हाट दे वर डूइंग. तो दोज पीपल आर ऑलरेडी फाइटिंग विद इन. और फिर जब मौलाना आ जाते हैं और हर वक्त उनके ऊपर भी इस्लाम नाफिज होता है, दे आर आल्सो सिक ऑफ इट. लेकिन ड्रिंक तो खैर मौलाना भी करते हैं, और बहुत से मौलाना तो ड्रिंक करके टीवी पर भी आते हैं और उसके बाद उनका झगड़ा भी हो जाता है. जो लोग वहां पे होते हैं उनके साथ डिबेट्स में हमने बहुत बार देखा है कि ड्रिंक कर आ गए, जिसमें मौलाना वो ताहिर अशरफी साहब भी जो है वो भी शामिल है. लेकिन साथ साथ जैसे आपने बात की हिपोक्रेट होने की, तो बिल्कुल पाकिस्तान में आपको लगता है कि वाकई में हम जो है वो दोहरी जिंदगी जीते हैं, यानी हमारा सामने कुछ और है और हम पीछे कुछ और है. यहाँ पर आपको लगता है कि इस किस्म का हिपोक्रेसी चलती है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में. पाकिस्तान में जब मैं गई थी पहली दफा आफ्टर डूइंग मिस पाकिस्तान, तो मुझसे कहा गया था आपने बंद कमरे में जो भी करना है मगर जब बाहर निकलो ना तो वो सफेद चादर पहन के आपने निकलना है. तो मतलब ये कि आप कमरे के पीछे कुछ भी कर लो बस बाहर ऐसे लगना है. तो इनको अल्लामिया का डर नहीं है, इन लोगों को अल्लामिया तो हर जगह देख रहा है आपको. इनको इंसानों का डर है कि इंसान ना पकड़ में आ जाए. मैं जब पाकिस्तान गई थी तो डिपेंडिंग ऑन विच टाइम आई वेंट और किस लोगों के साथ मैं रही हूँ, तो जब मैं इलीट क्राउड अमीर लोगों जिनके पास कॉन्टेक्ट है और इन द मीडिया रही, तो माई लाइफ वॉज वेरी मच लाइक कैनेडा. हाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी उसमें. मैं ड्रेस पहन के अपनी गाड़ी में बैठती थी और जहाँ पार्टी में जा रहे होते थे वहां उतरते थे. पार्टी में आप अपना ड्रेस पहने हुए हो, वहां पे भूस भी चल रही है. देयर इज लाइक इवन कराची में अगर आप चले जाएं क्लिफ्टन की तरफ तो वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप अपनी बोतलें लेकर आ सकते हैं, लड़कियां वहां ड्रेसेस में जाती हैं. सो बगैर दैट इज अ सर्टेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी जो बिल्कुल ही लगता है कि पाकिस्तान से एलियनेटेड है. मगर जो मेजॉरिटी आप देखेंगे जो आप मिडिल क्लास में जाते हैं और पुअर क्लास में जाते हैं, दैट्स वेयर यू सी अ लिटिल बिट मोर ऑफ एन एक्सट्रीमिज्म. बट एट द सेम टाइम अब मैंने देसी कुड़ियां किया था, उसके लिए हम एक गांव में गए थे और उसका नाम था गोट राधा किशन, वहां पे लाहौर से 1 घंटे की ड्राइव पे. तो जब मैं वहां गई तो वहां की जो बूढ़ी औरतें थी बिकॉज आई स्मोक, तो उन्होंने जब मैं वही हो रही थी कि यार हाउ डू आई स्मोक, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज हाइड. मगर वो फिर आंटी मुझसे आती कहती है ये कहाँ की सिगरेट है, मैं कह रहा है ये नहीं, एक मुझको भी दो. तो वो भी वीडियो की थी साइडों का पीछे बहुत स्मोकिंग, यू नो. तो ये नहीं माइयां भी है वहां पर, यू नो, होता भी है गांव में जो चीजें होती हैं. आई आल्सो माय फादर्स फैमिली वाज फ्रॉम गांव. तो जब देखिए जहां इनको अपने मतलब के लिए यूज करना होता है इस्लाम को ले आते हैं, और जहां इनका मकसद नहीं होता है वहां ये उसको कचरे में डाल देते हैं, यू नो. तो इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी. मैं कहती हूँ कि देखिए
लोगों को करना है, आपने लोगों को बहुत बुरे तरीके से रोका हुआ है, चाहे वो अमीर शराब पी रहा हो या चाहे वो गरीब ठर्रा पी रहा हो, आपने उनको रेगुलेट अगर कर दो, उनको इजाजत दे दो, तो एक प्रॉपर तरीके से चीजें हो सकती हैं। अभी ड्रग्स भी वहां बिक रही हैं, अभी अल्कोहल भी वहां बिक रही है, प्रोस्टिट्यूशन भी वहां हो रही है, मगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें ये होता है कि अंडर एज बच्चियां आपकी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में डाली जा रही हैं, उसमें अंडर एज बच्चे हैं जो आपके ड्रग्स ले रहे हैं, पार्टीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो आई थिंक अगर इसको रेगुलेट कर लें और प्रॉपर्ली इसको मैनेज किया जाए तो कैन एक्चुअली इम्प्रूव द सोसाइटी, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू डू इट, टू बी ऑनेस्ट। नहीं बिल्कुल, लेकिन खैर ड्रग्स का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि ड्रिंक्स का जरूर है कि उससे इनको बहुत टैक्स भी मिल सकता है, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 6 या 7 लोग तो ऐसे हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं, और क्योंकि कोई टैक्स नहीं है, पाबंदी है, इस वजह से जो है वो इनका नुकसान ही हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा कोई नहीं हो रहा। मगर साथ साथ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये भी देखने में आया, ये ना करो वो ना करो, ये ना पहनो वो ना पहनो, और इसी किस्म की चीज हमने जो है बाहर यूरोप में और कई जगह पे देखा है, इस्लामोफोबिया की बहुत बात की जाती है। तो आप भी कनाडा में रहती हैं, आपको लगता है मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी किस्म का कोई कोई जुल्म हो रहा है, कोई मार पीट रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये व्हाट इज इस्लामोफोबिया बेसिकली? मुझे आप ही बताइए मुसलमानों के साथ जुल्म कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सी एक कंट्री है जहाँ पे कहते हैं हमारे पे जुल्म नहीं हो रहा है, मुझे कोई बता दे कौन सी कंट्री में बैठे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी में कि हमारे पे जुल्म नहीं हो रहा है। देखिए मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं ज्यादातर गोरों के बीच में ही रही हूँ। हम लोग यहाँ आए और हमने इंटीग्रेट किया और हम कैनेडियन वैल्यूज को ऊपर रखा हमने, क्योंकि हम आए यहाँ पर कैनेडियन वैल्यूज के लिए थे। अगर मुझे वही लाइफ रहनी होती, वैसे ही रहना होता सब पाकिस्तान में थी तो हम वही रहते, राइट। तो होता ये है कि अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली है वो मूव हो जाती है किसी नेबरहुड में, ठीक है। अब आंटी उनकी जो है लड़कियों को देख रही हैं, यू नो हाय देखो क्या कर रही, लड़के आ रहे हैं ऐसे कपड़े पहने, हाय हाय हाय, तो बंदा अनकंफर्टेबल होता है और फिर वो निकलती है बाहर बुरके में। अब गोरे ने कभी बुरका देखा नहीं, ये तो वही बात होगी, पठान ने कभी लड़की को बिकिनी में नहीं देखा तो वो घूरेगा, तो वो घूर लेता है तो ये फॉरन हो रही है, रेसिस्ट हो गया, ये इस्लामोफोबिक हो रहा है, राइट। तो अब वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं गोरे के, भाई अब हम इनको कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कर दिया तो रेसिज्म हो जाएगा, इस्लामोफोबी हो जाता, तो क्या होता है वो अपना बिस्तर बांधते हैं और वो मूव हो जाते हैं, फिर वो जगह हैविली पॉपुलेटेड हो जाती है सारे पाकिस्तानियों से। तो अब क्या हुआ, आपने गोरों के साथ इंटीग्रेट किया ही नहीं, अब आपने छोटा यहाँ मिनी पाकिस्तान बना लिया है और वही आपकी जहनीत हो गई है। और हमारे जो यहाँ पॉलिटिशियन है स्पेशली ट्रूडो, उसको भी ये पता चल गया कि इस्लामोफोबिया एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर आप बहुत सारे वोट्स गेन करते हैं। Now this term was invented, I believe, in 1920s में इन्होंने निकाली थी as a tool to shut up people basically, जो इस्लाम के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं हर जगह आज मैं रोहित शो पे थी, मैं यही बता रही थी कि you have to differentiate Islam, Islamophobia is not an irrational fear. Phobia is an irrational fear, मगर इस्लाम का आपको rational fear हो सकता है if you are LGBTQ, अगर आप औरत हैं या आप इस्लाम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपको मार देना चाहिए। तो मुझे एज एन एक्स मुस्लिम मुझे डर लगता है इस्लाम की आइडियोलॉजी से। मुस्लिम अलग है, मुस्लिम्स वो हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और हमने देखा है कि मुसलमान एक हो सकता है जो 5 वक्त का नमाजी हो और एक मुसलमान हो सकता है जो 5 वक्त का शराबी हो, यू नो, तो इट कुड बी टू डिफरेंट काइंड्स, सो वी कैंट जज, वी कैन से मुस्लिम फोबिया है, मगर इस्लामोफोबिया इज नो सच टर्म। इन द होल टाइम जो मैं आ रही हूँ, इक्का दुक्का केसेस के उसमें आए हवाले जहां पर मुसलमानों को मार दिया गया। लास्ट ईयर एक केस आया था लंदन में जहां पूरी फैमिली पे एक बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी थी और उसका केस अभी है कोर्ट में, सो वी डोंट नो कि उसने क्या किया था, व्हाट हैपेंड। मगर अगर आप देखें तो जितने मुसलमानों ने यहाँ पर उस आइडियोलॉजी को लेकर बम फाड़े हैं और लोगों को करा है कैनेडा में, तो उस पर कोई बात नहीं करता है। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको नहीं किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर एक डैनफोर्थ पे आई बिलीव कपल इयर्स अगो एक शूटिंग हुई थी जिसमें वो बंदा पाकिस्तानी था और उसने ज्यादातर औरतों को मारा था, गोरों को मारा था। उसके भाई जो था उसके पास से, यानी कि घर से बहुत सारा पता नहीं कौन सा केमिकल है वो निकला था, एंड किसी को पता ही नहीं चली, न्यूज खत्म हो गई बिल्कुल, उसको वो कर कर आके कि वो ही इज मेंटली अनस्टेबल करके उसको अंदर कर दिया गया। इस्लामोफोबिया इज अ टूल जिसे आप देखते हैं इंडिया में भी और दूसरे मुल्कों में यूज हो रहा है, पॉलिटिशियंस इसको यूज कर रहे हैं टू गेन द मुस्लिम सिंपैथी एंड वोट, क्योंकि मुसलमान कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम के लिए वो कर रहा है। फिर आपने यही चीज देखी, इमरान खान ने इसको एज अ टूल यूज किया, वो मसीहा बनने निकले थे जब फ्रांस में हुआ था, तो
तो यूएन में पहुंच गए थे कि अब सारे मुसलमान है, देखो ये हमारा खलीफा है, ये इस्लाम हमारी रोकेगा और ये करेगा वो करेगा। तो ये जो ब्लास्फेमी का लॉ है ना पाकिस्तान में, यहाँ पे यहाँ कैनेडा में थोपना चाह रहे हैं या वेस्ट में थोपना चाह रहे हैं। सो अब ये लड़ाई आ गई है कि वेस्ट क्या करेगा, अपनी वेस्टर्न वैल्यूज रखेगा या वो इनके अंदर दब जाएगा। फ्रांस टुक अ वेरी गुड स्टैंड ऑन दिस, और इन द फ्यूचर सारी वेस्टर्न कंट्रीज को ये स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये कि आप इनको उंगली देते हैं तो ये पूरा हाथ ही खींच लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि पाकिस्तान का इम्प्रेशन क्या है, जैसे आप कनाडा में हैं वहां पे लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसा चल रहा है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो ठीक से हैंडल कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही, और इस किस्म की प्रॉब्लम, जैसे अभी हम FATF में भी फंसे हुए थे, बल्कि अभी भी हैं, फंसे ही हुए हैं वहीं पे, लेकिन ये कि हम FATF में भी हैं, साथ साथ IMF के लोन्स भी लेते चले जा रहे हैं, तो वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो क्या समझते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और या फिर वो समझते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए यहाँ पर। आरजू जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत ही कम ओवरसीज जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ बातचीत करती हूँ। मैं गोरों के एरिया में रहती हूँ, मैं अकेली यहाँ पर हूँ। बट गोरे भी क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को तो सभी देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, गोरे जो है ना यहाँ पे, जिस गोरे से मैं मिली और कभी कभार मैं जब उनसे ये बातें करती हूँ ना, तो उनका ये होता है, ओह वी ट्रीट एवरीवन नाइसली, वी वेलकम एवरीवन, वी डोंट वांट टू जज एनीबॉडी, दे डोंट केयर, वो अपने 9 to 5 जाते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, और उनको पता ही नहीं है कि वाकई में उनके मुल्क में खुद क्या हो रहा है, दे डोंट नो, उनको नहीं पता कि इस्लामोफोबिया मोशन आ गया। ये एक एक टिपिकल चीज मैं देखो बता रहा हूँ। फिर जो पॉलिटिक्स में गोरे हैं तो वो ऐसे हैं कि उन्होंने इस्लाम पे, यानी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तकिया हो गया, मुझे भी नहीं पता होता था, मैंने गोरों से सीखा, तो उनको उनको पता है कि इस्लाम की क्या आइडियोलॉजी है, देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज, मगर उनको पता है कि किस तरीके से ये आइडियोलॉजी यहाँ टेक ओवर कर सकती है। मगर फिर क्या होता है कि अगर जैसे अभी ये कैनेडा में जो प्रोटेस्ट हुआ था ट्रकर्स का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा था ये सारे नाज़ीज़ हैं, ये सारे रेसिस्ट हैं, ये सारे इस्लामोफोबिक हैं, ये सारे होमोफोबिक हैं। यानी वो प्रोटेस्ट करने से आप इस्लामोफोबिक भी बन गए, क्योंकि आप उनकी लाइन में नहीं बोल रहे थे, राइट? अगर आप इस्लाम को थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करते हो तो आप फौरन वो बन जाते हो एंड यू आर रेसिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लाम डजंट हैव अ रेस, आप गोरा भी हो सकता है, मुसलमान, चीना भी हो सकते, सॉरी चाइनीज भी हो सकते हैं, एंड यू नो इस्लाम जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इट्स नॉट अ रेस, इट्स एन आइडियोलॉजी। लोगों को ये टर्मिनोलॉजी जो है सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डिबेट्स में बैठे हैं या आपके ऊपर फौरन इस्लामोफोबिया रेसिस्ट बोलकर चुप कराने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये क्लियर करें कि आप ये इल्जाम जो लगा रहे हैं इट्स वेरी इनवैलिड एंड इट डजंट वर्क ऑन मी। तो अब ये गोरों ने भी ये सीख लिया है, एंड इसी तरह से मैं देखती हूँ कि चंद लोग ऐसे हैं जो थोड़ा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनका नहीं सुन रही है, एंड दे कैन सी के ये जो चीज है आकर किस तरह से हमें हमारे डेमोग्राफिक को और हमारे कल्चर को चेंज कर रही है। And nobody wants Sharia law here. I don't want Sharia law here. इसका मतलब ये थोड़ी कि मुसलमान कोई भी नहीं चाहता, यहाँ भी कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान में भी कोई नहीं चाहता, ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन सभी डरते हैं, सब चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान बन जाए या उसका इस किस्म का कोई शरिया लॉ जो है वो यहाँ पर है। लेकिन फिर भी आप जैसी फीमेल्स हैं मौजूद, और आपको बोलना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को कि पाकिस्तान से ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो सही बात भी करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू सून अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, OnlyFans या सिंपली PayPal के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।